हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो स्वागत है मेरे चैनल अदितीस किचन में। तो चलिए झटपट गार्लिक ब्रेड बनाते हैं। आज बहुत ही क्रेविंग आ रही थी गार्लिक ब्रेड की और चीज़, हल्की सी चीज़ का। तो लेते हैं हम एक बाउल और दो स्लाइस ब्रेड की, और ये बटर लेते हैं हम थोड़ा सा, और एक गार्लिक मैंने चॉप किया हुआ लिया है फाइन, दो टीस्पून, और दो टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ये, और इसको हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे, जिससे ये मेल्ट हो जाए, गार्लिक और हरा धनिया अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये ब्रेड पे लगाते हुए भी बनेगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये देखिए मेल्ट हो गया है, बटर को इतना ही मेल्ट करेंगे जिससे बटर पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और ये मैंने यहाँ पे लिया है चीज़ स्लाइस डाल के गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, बहुत ही यम्मी लगता है। तो मैंने ये स्लाइस ले लिया है और इसको खोल के ब्रेड के ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसे और भी चीज़ें बना सकते हो, मैं यहाँ पे 1 स्लाइस डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से बटर को ब्रेड के ऊपर 1 साइड में अच्छे से लगा देंगे। देखिए इस तरीके से पहले 1 साइड पे लगाएंगे, और 1 साइड लगा के आप इसको नॉन स्टिक तवे पे डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हम बटर को अच्छे से लगा देंगे, तब तक नीचे साइड में सिकेगा और ब्रेड नीचे से अच्छे से सेक जाए तभी पलटिएगा। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही ब्रेड को सेके। हाई फ्लेम पे ब्रेड नीचे से जल जाता है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही करके इसे सेके और क्रंची सा बनेगा। अब देखिए इसको मैंने पलट दिया, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा, ब्राउन एकदम क्रंची सा है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। तो देखिए ब्रेड अच्छी तरीके से सेक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अगर आपको कभी गार्लिक ब्रेड खाने की क्रेविंग हो तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये गार्लिक ब्रेड आप झटपट बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं, लिया बटर और गार्लिक चॉप किया और फटाफट बना लिया। तो चलिए इसे हम इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करिए, ज़रूर बनाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में इंजॉय करें। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।